वेलकम टू पीसीएम कॉर्नर। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इसमें दिया है कि सो डैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया गया कि एक स्क्वायर दिया गया है। क्या दिया गया है कि पहले ही बोल दिया गया है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें शो करना है कि इसके डायगोनल्स जो है डायगोनल ए सी और बी डी आपस में इक्वल है। डायगोनल ए सी एंड बी डी, तो पहले तो शो करना है कि आपस में इक्वल हैं और दे शो करना है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, पहले ट्रायंगल पहले ए बी डी, पहले इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या है, कॉमन है। ठीक है, ए डी इक्वल टू क्या होगा, तो बी सी, क्योंकि स्क्वायर के साइड क्या होते हैं, स्क्वायर साइड्स ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, और स्क्वायर साइड्स क्या होते हैं, तो इक्वल होते हैं। ठीक है, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इच 90 डिग्री, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर के हर एंगल कितने के होते हैं, तो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्वेंट ट्रायंगल ए बी सी बाई साइड एंगल साइड, तो ए सी इक्वल टू क्या मिल गया, बी डी बाई सी पी सी टी। ए सी इक्वल टू क्या आ गया, तो बी डी आ गया बाई सी पी सी टी। ठीक है, देन तो अब हमें तो ये शो करना था, हमने ये शो कर लिया है कि दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल है। हमें शो करना है कि यह एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शो करने से पहले हम लोग ये शो करते हैं कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कहने का मतलब क्या है कि ओ ए बराबर ओ सी है और ओ बी बराबर ओ डी है। तो इसके लिए हम लेते हैं ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। इसको नाम देते हैं एंगल वन, इसका नाम देते हैं एंगल टू, और इसको नाम देते हैं एंगल थ्री, और इसका नाम देते हैं एंगल फोर। ठीक है, तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा। क्यों, तो अल्टरनेट एंगल एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल थ्री, ये भी क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू सी डी अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के अपोजिट साइड्स हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, ए बी इक्वल टू आ गया सी डी। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्वेंट हो गया ट्रायंगल डी ओ सी के बाई साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड, ये क्या हो गया, तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, दोनों के दोनों ए ओ बी और सी ओ डी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई साइड एंगल साइड। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होगी अभी तक। ठीक है, तो सी पी सी टी में क्या मिलेगा कि ए ओ इक्वल टू ओ सी, ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी बाई सी पी सी टी। दोनों क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई सी पी सी टी। ठीक है, देन इसको मान लेते हैं इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन वन हो गया, इक्वेशन टू मान लेते हैं इसको। अब देन हम लोग शो करेंगे कि यह एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी ए ओ डी सॉरी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, कौन कौन सा लिया है मैंने, तो ए ओ बी एंड ए ओ डी। ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये क्या हो जाएगा, तो कॉमन। ठीक है, ए इक्वल टू ए कॉमन, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी क्या है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ, या फिर लिख सकते हैं साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं, तो आपस में इक्वल होते हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है, एंड एंड क्या देन क्या लिखा जाएगा कि ओ बी इज इक्वल टू ओ डी फ्रॉम इक्वेशन फोर, अभी मैंने इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू मैंने अभी आपको शो करके दिखाया है कि ए ओ बराबर ओ सी है और ओ बी बराबर ओ डी है। ठीक है, यहाँ तक तो
हो गया समझ में आपको, आ गया होगा। देन ट्रेंगल ए ओ बी कन्वर्ट ट्रेंगल ए ओ डी बाई साइड 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 एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी में क्या मिल गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल मिल गए, ए ओ बी ए ओ डी के बराबर आ गया बाई सी पी सी टी, ठीक है। एंड एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर क्या होगा, तो 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, ठीक है। इन दोनों का सम, इसका इसका सम 180 आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, तो दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं और लीनियर पेयर हैं, ठीक है। तो इनका सम कितना आएगा, तो 180 आएगा। देन आता है इनको जोड़ने पे 180 आ जा रहा है, यानी 2 टाइम्स एंगल ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री, यानी एंगल ए ओ बी क्या आएगा, तो 180 बाई 2 कितना आ गया, तो 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, इक्वेशन 3 मान लेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री, एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री, देयर फॉर डायगनल्स आर परपेंडिक डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। थैंक यू।